बकरीद की सुबह तड़के 4 बजे शुरू हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं सुबह 7:30 बजे तक नमाज के वक्त आसमान साफ हो गया। नमाजियों ने मुख्य मस्जिदों के बजाय स्थानीय मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना उचित समझा। शहर में जगह जगह जल भराव के हालात होने से नमाजियों को काफ़ी परेशानी भी हुई। आपको बता दें कि बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन जगह जगह जल भराव के चलते मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज के लिए जाने में काफ़ी परेशानी हुई। इस दौरान कुर्बानी करने वाले घरों में भी बारिश के कारण साफ सफाई की परेशानी हुई। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ताजमहल को नमाज के चलते 3 घंटे तक निःशुल्क कर दिया गया, जहाँ पर्यटकों ने इसका आनंद उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।